हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप ठीक हो। मैं आज आपको इसी तरीके से सूट की कटिंग बताती हूँ। 6 इंच हमें शोल्डर लेना है और 6 ही इंच हमें आर्म होल लेना है। फिर एक बॉक्स बना देना है। उसके बाद हमें गले की चौड़ाई लेनी है 3 इंच और लंबाई लेनी है 6.5 इंच। मुझे छोटे ही गले पसंद है। और चेस्ट का नाप मेरा 36 है और 36 में हमें 4 का भाग कर देना है और 9 इंच हमें अपना निशान लगा देना है। उसके बाद चेस्ट से कमर तक की लंबाई हमें 7 इंच लेनी है और फिर कमर कमर मेरी 32 है। 32 में भी हमें 4 ही का भाग करना है। भाग करने पर 8 इंच आया है तो हमें 8 इंच इसकी फिटिंग देनी है। उसके बाद हमें चेस्ट से हिप तक 14 इंच रखना और हिप की मेरी चौड़ाई 40 है और 40 में भी हमें 4 का भाग करना है। 4 का भाग करने पर 10 आया, फिर हमें निशान लगा देना है साइड से। और हमें आर्म होल की जो गहराई है हमें 1.5 इंच रखनी है और फिर हमें गुलाई करते हुए आर्म होल की गुलाई कर देनी है। और हमें गले में भी गोल गुलाई कर देनी है। उसके बाद कटिंग करते समय 2 इंच छोड़ के कटिंग करें स्टिचिंग के लिए। आप इस तरीके से सूट काटोगे ना, 100% आपके एकदम फिट आएगा सूट। फिर उसके बाद दोनों पार्टों को हमें अलग कर देना है क्योंकि आगे का गला थोड़ा बड़ा होता, जैसा भी आपको डिजाइन का भी बना सकते हो, इसलिए हमें आगे और पीछे का गला अलग अलग काटना है। तो हमें पीछे का भी हमें 3 इंची चौड़ाई रखनी है गले की और लंबाई हमें 6 इंच रखनी है और 1 इंच हमें गहराई रखनी है पीछे के गले में। उसके बाद आगे वाले पार्ट को हम आगे के जो मुड्डे हैं ना, जो आर्म होल है उसमें थोड़ी सी हम कटिंग लगाएंगे क्योंकि झोल ना पड़े हमारे आर्म होल पर। आधा इंच हम उसमें कटिंग लगा देंगे।